सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रॉम भीमताल। यार 9 बज चुके हैं और अभी भी जो है ना बेड पे पड़े रहने की इच्छा हो रही है। वो तो मनोज भाई को धक्के मार के उठाया गया कि मनोज भाई उठ जाओ, सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हो आप वॉशरूम जाने में और ये सब करने में। अच्छा उठते हैं, अच्छा करते हैं। अरे मनी भाई क्यों टेंशन अच्छा लेते हो? तो अच्छा ठीक है, अभी उठे हैं और ये देखो यहाँ पे अभी पानी वानी गर्म कर रहे हैं। ये जो गबरू है ना, ये गबरू गबरू जवान। अच्छा ओके ठीक है। तो भाई बहुत तगड़ी नींद आई रात में, इन्होंने ट्रैक्टर तो चलाई लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो है। अब यार किसी चीज के लिए कितना क्रीप करोगे? ये देखो खुशी देख रहे हो, खुशी चेहरे पे। भाई देखो अब आपको ना आदत डाल लो इस चीज की। अरे यार नहीं, मैंने सोच लिया इसका, पता है मैंने ना इसका उपाय सोच लिया। मैं कल रात में ना जब सोने जा रहा था और आप जब ले रहे थे सुबह में, बेसिकली नॉट रात में, कि ना एक ईयर प्लग आता है वो ले लो आप। हाँ तो मैंने सोच लिया वो कि इन्वेस्टमेंट आप कर दो। वो इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट आई शुड डू ऑन अ ट्रिप। एवरीबॉडी शुड डू हु इज ट्रैवलिंग विद मनोज। चलो भाई उठते हैं, बाहर के नजारे देखते हैं कैसे हैं। ओह माय गॉड, वाह वाह वाह, क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत। इसीलिए यार ये वाला ना हमने ना होटल चुना था, यहाँ से जो सामने का व्यू है ना मज़ेदार, वाह। मॉर्निंग शुड बी लाइक दिस। फिर अब ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, मनोज भाई का वेट कर रहे हैं। भैया थोड़ी देर पहले ही आकर के पूछ के जा चुके थे कि भाई क्या ब्रेकफास्ट करोगे, बता तो दो, उठे नहीं हो अभी तक। फिर हमने बता दिया उन्हें क्या क्या करना है, पराठे वराठे सब जो भी बोल रहे थे। चलो अभी अब वेट करते हैं, मनोज भाई आ जाते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ऑलरेडी लेट है भाई ना, इतना सुस्ती मारा है हमने ना, इतना सुस्ती मारा है कि क्या ही बताया जाए। तो करना ही क्या है यार, मतलब अब आयो बाहर थोड़ा सा तो रेस्ट करो, क्योंकि दौड़ भाग तो लगी ही रहती है ज़िंदगी में। उसके बाद तो फिर जानते ही हो मेंटॉस ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई साहब तैयार होके आ चुके हैं, चलो चला जाए ब्रेकफास्ट करते हैं। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो देखो, चटनी सॉसेज सैलड देन अंडा भुजी पराठा सब्जी, इधर भी अंडा भुजी, इधर ये पराठा और इधर ये मनोज भाई रुक ही नहीं रहे ना भाई, बहुत जोर की भूख लगी। चलो अब शुरू करते हैं इसे। तो रेडी हो चुके हैं, सारा सामान वगैरह पैक हो चुका है हमारा। अब बस भैया का वेट कर रहे हैं कि हमारा सामान जो है पहुंचा दें गाड़ी तक। और अब यहां से जो है हम निकलेंगे रामनगर की तरफ, और रामनगर में क्या होने वाला है तो आज जिम कॉर्बेट में जो है सफारी करेंगे, जंगल सफारी। और अब जो है तैयार होकर के निकलते हैं बाहर। और मनोज भाई पहले ही से जो है यहाँ इंस्टाग्राम पे जो है ना आग लगाए हुए हैं। नहीं लगाए हम तो बुझा दिए। हम और क्या ही कर सकते हैं, मतलब इससे अच्छी और क्या बात है। मुझे दिए बिल्कुल। चलो जी चला जाए, अब सामान वामान निकाला जाए, खुद ही उठा ले टाइम आ चुका है यहाँ से अभी इस रिजॉर्ट को छोड़ने का। और अब चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ, और ये वाले व्यू को छोड़ करके जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। पर ठीक है अभी जाएंगे तभी तो फिर आएंगे। तो फिलहाल के लिए देखो मनोज भाई पहुँच चुके हैं, गाड़ी वाड़ी में सामान वामान रखवाते हैं। तो यार जर्नी शुरू करने से पहले ना आपको विंडशील्ड साफ चाहिए होता है, तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं ना वो 2-4-5 मिनट लगा ही देती हैं। तो एक बार थोड़ा सा हीट अप हो जाए इंजन, उसके बाद फिर निकलते हैं फटाफट। बोलो श्री अम्बे मात की जय। तो भाई जयकारा लगाते हुए निकलते हैं अब यहाँ से, और यहाँ से जो जाना है हमें वो है रामनगर। और रामनगर का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 77 किलोमीटर, जो कि टाइम लगने वाला है 2 घंटे 15 मिनट। तो भाई अपने भाई समय से भीड़ लगना है 10 मिनट से, 2:30 बजे का दिखा रहा है ये टाइम, ढाई नहीं 1:30 बजे 10 मिनट से भीड़ लगना है बस अपने को। भाई निकल तो चले हैं यहाँ से, और ETA दिखा रहा है 1:30 मिनट का है ना। ये ट्विस्ट एंड टर्न जो है ये बहुत मुझे ना थ्रिल करता है यार, मतलब ऐसा होता है ना जैसे लोगों को शराब की क्रेविंग होती है, नशा होता है तो उसकी क्रेविंग होती है, मुझे ना ऐसे हिल्स पे ड्राइव करने की क्रेविंग होती है। पता नहीं किसी को समझ में आएगा या नहीं, या फिर जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है ना उनको तो जरूर इस चीज़ को समझ में आएगा यार क्या वो फीलिंग होती है जब ना किसी को मतलब ऐसे हिल्स पे ड्राइव करने में मज़ा आ रहा होता है।
15-20 मिनट के भसड़ के बाद जो है ना हम वापस से जो है खुले रोड पे निकले हैं, और खुले रोड पे आने के बाद जो है ना वो जो चोक्ड सांसें थी ना वो खुल गई हैं। तो अब थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस और टाइम जो है ना थोड़ा सा मैच होना शुरू हुआ है, नहीं तब तो पहले यार बढ़े ही जा रहा था। क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब एक घंटा ऑलमोस्ट लगना है यहाँ से, और टाइम जो पहुँचने का टाइम है उसमें से बस कुछ ही मिनट जो है हमारे पास हैं मतलब लेज़र के। तो ये भी एक दिक्कत है ना कि जहाँ पहुँचना है हमें वो हो सकता है कहीं और हमने तो रामनगर का लगा रखा है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाते तो ठीक रहता, लेकिन रास्ते आपके हिसाब से नहीं होते हैं, तो इसीलिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि सही समय पे जो है हम वहाँ पहुँच जाएँ, सो दैट कि आज की जो सफारी है वो सफल हो जाए। दौड़ भाग करने का मतलब गाड़ी को दौड़ भगाते भगाते यहाँ तक रामनगर तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब यहाँ से जो है ना हमें एग्जैक्ट जगह जो जाना है वो है डिग्री कॉलेज, जहाँ पे ये अपनी सफारी जहाँ से स्टार्ट होगी। जब भाई डिग्री कॉलेज कितना दूर है? कर दिया भाई गाड़ी वहाँ पे पार्क डिग्री कॉलेज के पास, अब यहाँ पे जो है बैठा जाए, देखे मनु भाई कहाँ खोज के रखा है। हमारा जिन्ना जोन ये आपस में मिले हुए हैं। अच्छा ठीक है, हमें पता है कि इनके गेट अलग अलग है। अच्छा तो इस वहाँ पे इस वजह से दिखने का चांसेस ज्यादा है। अच्छा अभी एक साल हो रहा है इसको फाटो जोन को बुलावे। चलो ठीक है गुलफाम भाई, कोशिश करेंगे पूरी, हम आपको दिखाएंगे आप हमें दिखाना। भाई आ चुके हैं पाटो के एंट्री गेट पे, पाटो पता नहीं क्या फटना जाए है ना, तो भाई गए हुए वहाँ पे एंट्री कराएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। इधर है रास्ता, ये है हमारा जीप, गुलफाम भाई हैं जो कि हमारे ड्राइवर हैं और वही गाइड भी हैं, वही सब कुछ बताएंगे हम आज, तो वही बताएंगे सब कुछ। एक और कोई भाई फाटो पता नहीं भाई, देखते हैं। कोई यहाँ से जो है अपना जंगल सफारी स्टार्ट होता है, और बहुत तेज हवा चल रही है। ये वाला जो है ये टर्माइट हिल है, जो साल के पेड़ है ना सर, उसकी एक कहावत भी है हिंदी में, 300 साल वो होता है ना, 100 साल खड़ा दीदी है, दिमाग खाने में लगता है दिमाग खाती है। अच्छा 100 साल पड़ा रहेगा। सौ साल हो गए, आप देखो दीमक खाएगी। और ये दीमक कैसे खाएगी, जैसे ये लगी हुई है। अच्छा जी, और जो इस पेड़ का यूज किया गया था रेलवे पटरी में किया गया था, इसमें रेलवे पटरी। अच्छा रेलवे पटरी, रेलवे पटरी में इसके स्लीपर बने थे सर। अच्छा जी, और जो बने हैं स्लीपर वो सीमेंट के बने हैं। अच्छा भाई इस जंगल में ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे राज हैं जंगल में जो आज खुलेंगे। अच्छा आज खोल दिए जाएंगे। ओहो क्या बात है, कपड़े भी खोल ले। हाँ जी हाँ जी, बाकी जो आप इधर पेड़ देख रहे हो रोहिणी के पेड़ है। रोहिणी के पेड़ है, एलिफेंट ज्यादा लाइक करता है। अच्छा जी भाई, ये रोहिणी के पेड़ है, रोहिणी सेक्टर 11 के भाई, ये रोहिणी के पेड़। अच्छा जो आगे पेड़ आ रहे हैं सागौन के पेड़ है, सागवान। अच्छा ये तो लकड़बड़ी फेमस था।
तो भाई यहाँ पे जो है हमारा फाटो गेट आ जाता है और यहीं से अब जो है हमारी एंट्री होगी। पहले यहाँ से गाइड भैया भी आएंगे जो भी आने वाले होंगे और यहीं से हमारा टोकन टिकट सब कुछ होगा भाई। तो अगर हमारे गाइड भैया होंगे तो गाइड भैया आएंगे, नहीं होंगे तो भाई अपने। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है और इसी गेट से अंदर आए, इसी गेट से वापस जाएंगे भैया। ओके, इस रोड से जाएंगे, दूसरी रोड से हम बाहर आएंगे। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इस बार लेडीज भी मतलब लड़कियाँ भी मतलब गाइड हैं। मैं मतलब 10-12 साल से कॉरिडोर में आ रहा हूँ, तो ये कुछ चेंज हुआ है या मतलब आप लोग इंटर्न्स हैं क्या, मतलब कुछ कॉलेज फॉरेस्ट कुछ क्या है ना कि अभी क्या है कि लड़कियों को क्या है कि अब रोजगार दे रहे हैं, लड़के क्या सीखेंगी अपने खुद सेल्फ डिफेंस होंगे। ओके, हाँ, इस वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हमें। बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस। 25 गर्ल्स हैं यहाँ पर। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड टू सी दैट, वेरी गुड। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। सामने डियर भागे हैं। सामने डियर है। अच्छा मैम, बस लाउड रहना ना। ओके सर। मैम आपका नाम? हेलो हेलो एवरीवन। आप अपनी स्क्रिप्ट भूल गई मैम। शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। चलो मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम संगीता है, मैं आपकी नेचर गाइड हूं। ओके, यहाँ कितने टाइप के गाइड्स होते हैं मैम? मतलब गाइड्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे सफारी होती है ना। अच्छा, तो अच्छा। हर उसमें टूर मतलब नहीं, जैसे आपने बोला ना मैं नेचर्स गाइड हूँ, तो और भी नेचर लिस्ट भी होता है। नेचर लिस्ट जैसे उनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब होपफुली मैम आप हमें टाइगर साइड कराएंगी, आपका वादा है। आपने मैम चढ़ते हुए बोला था चुपचाप, मुझे पता है कि आज मैं टाइगर दिखाऊंगी। ट्रूथ बता देती हूँ, कुछ नियम है जो मैं फॉलो करना है। पहला ये है गाड़ी के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। दूसरा ये है आपको किसी भी हालत में गाड़ी से बाहर नहीं उतरना है पूरे फॉरेस्ट में। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पे हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, बाकी आपको कहीं पे उतरना अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट ये अगर आपको कोई भी वाइल्ड एनिमल दिखता है तो आपको शाउटिंग नहीं करनी है, आपको शांति से गाड़ी के अंदर बैठे रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जिससे एनिमल डिस्टर्ब होकर डेंस में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसे देख नहीं पाएंगे। सेलफोन जो वॉलेट है उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे, क्योंकि ले अगर हो जाएगा तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बातों को अच्छा है, बाकी चारों तरफ वॉच करते हुए चलिएगा। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट करें नेचुरल हैबिटेट में। यहाँ पे किसी भी एनिमल पे कोई कॉलर सिस्टम GPS ट्रैकिंग सिस्टम यूज नहीं किया गया है। हाँ, वो आपको कहीं पर भी स्पॉट हो सकता है। मैम अभी मैंने लेटली सुना है कि यहाँ पे बहुत साइटिंग हुई है फाटो में। हाँ सर, यहाँ पे बहुत अच्छी साइटिंग चल रही है इस टाइम पर। अच्छा। एक फीमेल कैक्टस है, बच्चों के साथ दिख रही है। ओह वाओ। तो सर अभी हम क्या उस पॉइंट पर जाएंगे और वेट करेंगे, देखते हैं वहाँ पे अगर हमें दिख जाए। आज सुबह हुई है साइटिंग, बट वो दूसरी जगह हुई है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। यहाँ पर क्या है कि वाटर होल बने हुए हैं सर, मैन मेड भी है और नेचुरल भी है, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, लोग सॉरी एनिमल्स पानी पीते हैं। तो भाई मैम का जो था यहाँ पे आपने डिटेल सुना और वो आज हमारे साथ सफारी में जाएंगे। तो ये वो ट्रेल है जहाँ से हम घुसते हुए जा रहे हैं और अंदर डीप जंगल में जाएंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज जो है टाइगर दिखेगा हमें। और सुबह में ही मैम बता रही थी कि स्पॉट किया है, तो ऐसे आपको डक भी करना पड़ता है जब ऊपर से पेड़ आता है, तो कृपया ध्यान रखें। और सुबह सुबह उन्होंने बताया कि आज तो स्पॉट किया है उन्होंने सुबह सुबह टाइगर। यहाँ पे क्या 110 स्पीसीज हैं प्लांट्स की। okay. जिसमें कि जो 70-80% ट्रीज हैं वो आपको साल और सागवान के देखने को मिलेंगे। जो आप स्टार्टिंग में आते हुए देखे होंगे उनमें ट्रीज सारे साल के पेड़ थे। ठीक है, उनके अलावा आपको रोहिणी, तेंदू, बरगद, सीसम, चंदन, पीपल एक्सेट्रा ट्रीज देखने को मिलेंगे। आपको धीरे धीरे दिखाते हुए चलेंगे हम। ये ब्लैक कलर का आप ट्री देख रहे होंगे, ये तेंदू का पेड़ है। हाँ, ये तेंदू का पेड़ है। हाँ, इनके पत्तों से बीड़ी बनती है। MP में ज्यादा प्रोडक्शन रहता है इन ट्रीज का। अच्छा। और इसमें फ्रूट भी आता है, तेंदू का बहुत मीठा होता है खाने में। सो एनिमल्स क्या है ना कि जैसे मंकी होता है, इनको फ्रूट के रूप में यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से फूड चेन में कनेक्टेड है, तो उन्हें अपने साइड से कोई फूड प्रोवाइड किया नहीं जाता है। ठीक है, ये जैसे मिट्टी के माउंट जैसे बने हुए देख रहे हैं ना आप जगह जगह पे, इनको टर्माइट हिल बोलते हैं। क्या दीमा का घर है, दीमा की बाउंड्री। जिस भी फॉरेस्ट में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो फॉरेस्ट हेल्दी फॉरेस्ट माना जाता है, हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होता है, जिससे आप अनुमान जा सकते हैं कि ये फॉरेस्ट कितना हेल्दी है। और ये फॉरेस्ट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है। फिर रूल गया मैडम, वहाँ पे आ रहा है ना। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पेड़ में हुआ है क्लॉ मार्क।
क्या अब ये क्लॉ मार्क था ना कि लव मार्क। आप तो क्लॉ में लम्बक लम्बक बताओ मेरे को, मेरे को लम्बक सुना पड़ा पता नहीं पेड़ से क्या पैर गया वो दो मेल टाइगर कभी भी एक टेरिटरी में नहीं रहते हैं वरना उनके बीच में फाइटिंग होती है जिससे कि अपने टेरिटरी में मार करते हुए चलता है। अच्छा ये मार्किंग थी उसकी। ये तो हमने हमेशा ही सुना है ना कि इलाका होता है सबका अपना अपना, तो जो टाइगर होते हैं ना उनका भी अपना अपना इलाका होता है। और ये जो अभी आपने क्लॉ मार्क्स देखा ना वो था टाइगर का अपना मार्किंग जो कि ना अपने इलाके में वो करता है। ये वाला पेड़ पे कर दिया हमने टॉ मार्किंग, मतलब ये इलाका हमारा है भाई, कोई और इसके अंदर आएगा तो फिर दोनों टाइगर के बीच जो है मारपीट हो जाएगी भाई। भाई ये जैसे आदमियों के बीच होता है ना कि ये हमारा इलाका है, उसी तरह टाइगर के बीच भी है भाई। क्या होती है अपने अपने घर की रजिस्ट्री होती है। अच्छा कहावत भी है कि ये 100 साल खड़े रहते हैं, 100 साल पड़े रहते हैं, 100 साल ये डिकम्पोज होने में लेते हैं, 300 ईयर्स इनकी लाइफ स्पैन होती है और ये नेचुरली ग्रो होते हैं, इनको हम प्लांट नहीं कर सकते हैं। पहले के टाइम पे इनके ट्रेन के स्लीपर बनाए जाते थे। अच्छा। तो इसका बॉटनिकल नेम सॉरी रोबस्ट है। अच्छा सॉली सॉरिया सॉरिया लोबस्टर। हाँ, रोबस्टर रोबस्टर। हाँ। अच्छा ओके बड़ा मुश्किल है। लोबस्टर रोबस्टर 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 ठीक है। और सर क्या है ना रेस्ट हाउस में क्या है ट्री हाउस बनाया गया है वो भी साल के वुड का बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे जैसे आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्टे एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे आपका आने जाने की बुकिंग कैसे होती है? तो अभी तो यहाँ पे ऑफलाइन है, आपको अंदर मिल जाएगा इजीली परमिट। अच्छा हाँ, आपको बात करनी पड़ेगी विभाग से। ओके मैम आपकी जान पहचान होगी, आप करवा देना नेक्स्ट टाइम फोन कर सकते हो, मैं आपको इंस्टा पे मैसेज भेज दूंगा। तो हम जो है ना वो वाटर बॉडीज़ के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टाइगर जो होता है ना उसको प्यास लगती है तो वो पानी के पास ज़रूर आता है। तो ये जो है ना ये कैच है, इसलिए हमने सोचा जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज़ है ना वहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई टाइगर पानी पीने आएगा। भाई प्यास लगी है हम पानी पिला देते हैं यहाँ पे, हमारे लिए वो एक व्यू हो जाएगा। भाई आ जाओ, कहाँ हो मनोज भाई, बुलाओ ना। मैं बुला रहा हूँ भाई, जल्दी बुलाओ भाई, जल्दी से जल्दी। हाँ इंतहा हो गई इंतज़ार की। हाँ भाई बिल्कुल आएगा 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 आएगा। सर यहाँ पे कैट फैमिली में 4 स्पीसीज हैं जिसमें कि कैट फैमिली और फूड चेन में सबसे बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, लेपर्ड कैट और अदर एनिमल्स में यहाँ पे एलिफेंट, वाइल्ड बोर, मंगूस, पिकॉक, मॉनिटर लिजर्ड, जैकॉल, डियर, बेयर, पॉर्क्यूपाइन एक्सेट्राज एनिमल है जिसमें 3 टाइप्स की डियर पाई जाती है यहाँ पर, जिसमें कि स्पॉटेड डियर, सांभर डियर एंड बार्किंग डियर। हॉक डियर यहाँ पर पाई जाती नहीं है, वो आपको ढिकाला पार्ट में देखने को मिलेंगी। और 2 टाइप्स की बियर पाई जाते हैं यहाँ पर, हिमालयन ब्लैक बियर और स्लॉथ बियर। अच्छा बियर भी है। हाँ बियर का क्या होता है कि बहुत रेयर स्पीसीज है, नाइट टाइम को ज़्यादा मूव करती है, नॉक्टर्नल एनिमल है इस वजह से। डे टाइम में कुछ मूव करता है मैम टाइगर के अलावा? एलिफेंट। ओके आज सुबह दिखे थे एलिफेंट वैसे। ओके एलिफेंट क्या होता है माइग्रेटिव एनिमल है, मूव करता है, करता रहता है, रुकता नहीं है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है। ओके ये स्पॉटेड है ना? हाँ कॉमन है, सबसे कॉमन यही है ना। हाँ यही है और इनके जो नंबर है ना सबसे ज्यादा यही है, 50-60 हज़ार डियर है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो एक गाड़ी वहाँ रुकी है, यहाँ पे रुकी है, यहाँ रुकी है, यहाँ रुकी है, बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है यहाँ पे और सबको इंतज़ार है और सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार है, वो है टाइगर दिखाई दे रहे कहीं से। अभी तक तो टाइगर का दर्शन हुआ नहीं है तो बेसब्री से सबकी निगाहें जो है उसी चीज़ को तलाश कर रही है। जनता कितनी बेताब है ना, और आज तक कभी आपने किसी एक टाइगर के लिए इतना प्यार नहीं देखा हुआ। ये देखो यहाँ से लेकर के वहाँ तक सारे लोग जो है ना एक ही चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं, वो है टाइगर का, उस है ना भैया। और कहीं देखा है इतना बेताबी से किसी की नज़रें तलाश करते हुए किसी चीज़ को? नहीं ना। यहाँ पर भी एलिफेंट है, एलिफेंट अंदर चले गए, वो भी अंदर चले गए जी, हम लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए। ओहो कोई नहीं, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिला है नहीं ना।
भाई दो दो डियर आ गए हैं, उसके पीछे एक टाइगर आ जाए तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। यहाँ पे जो है डियर का ग्रुप है, स्पॉटेड डियर है ये, और ये झुंड में ही चलते हैं। बेटे बच्चे हैं बहुत सारे भाई साहब, यहाँ पे तो होना चाहिए था। हाँ बहुत सारे हैं, आवाज से देखो कैसे डर के भाग रहे हैं ना। सो वहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है, और अब जो है ये फेंसिंग आप देख रहे हो ना, फेंसिंग इसलिए की गई है सो दैट कि नाइट में जो ना जानवर अंदर नहीं आ जाएं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग होती है। और यहाँ पे आकर के जो है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय वो कॉफ़ी पी सकते हैं आप। चाय कॉफ़ी पीने के बाद जो है फिर वापस से सर्च शुरू करेंगे, और वो जो सर्च होगा उसमें अगर मिल गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। क्या लेना है बताएं? छोड़ दो मनोज भाई छोड़ दो, चाय तो पिला दो, ऐसा मत करो, खुद तो खा रहे हो। सच्ची बताओ, मैं फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, चाय पी लो मैडम कोई बात नहीं। हाँ हाँ खाएंगे, अरे क्या बात है, खिलाओ भाई। लेडीज फर्स्ट मैम, नहीं 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 वी आर जेंटलमैन प्लीज। तो जंगल में ना जंगल में ब्रेड पकौड़ा खाने का ना एक अलग ही फन है। अच्छा कितनी बार खाया पहले? इस पहली बार खा रहा है, तभी तो फन है, तभी तो फन है, तभी तो फन है, है ना मैम। लो 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 मैम, आप लो मैम, ये तो चलता रहेगा। मेरा हाथ में टिक नहीं रहे, जल्दी खा लो मैम, प्लीज खा लो मैम, ऐसे ना करो मैम, खा लो। बहुत तेज भूख लग रही है, डॉक्टर साहब तो खुद पड़ेंगे अभी इसमें। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लो लो। अच्छा तो अभी फिलहाल के लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों का कहानी जो है ख़राब है हमारा आज का। जंगल के बीच जो खाने को मिला वो भी बहुत अच्छा था, और अब वापस से कोशिश करेंगे कि यार अब कुछ दिखाई दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो फिर तो वापस चले जाएंगे। अब तो दिखाएंगे ना, चलो चलो जी वापस से शुरू करते हैं अपना सर्च टाइगर के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अब दिखाई दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे तो अच्छी बात है। देखो भाई जिद तो किसी बात की नहीं है ना, कहते हैं ना वो कि मज़ा तो यार जर्नी का होता है, डेस्टिनेशन तो हमेशा से ही बोरिंग रही है। यार हर हर जानवर को तो प्यास तो लगती ही है। पी ले। कोई नहीं, हम देखने आए थे छोटे जानवर को, बड़ा दिख गया। अरे चाहिए था पकौड़े खा लो बेटा, हमारे मार तुम पकौड़े खा, हमारे मार। हाँ तो फिर पकौड़े खा के आओ। मैडम के वादे के मुताबिक हमने जो है मैडम को बोला था कि कुछ ना कुछ तो साइटिंग करा दो, तो यहाँ पे जो है एलिफेंट का साइट आपने अभी देखा, और अब वापस चलते हैं और देखते हैं कहीं कुछ और दिख जाए। वापस से चल रही है, एलिफेंट तो आपने देखा ही, वापस से जंगल में चलते हैं और कोशिश करते हैं देखने का टाइगर अभी और कहीं स्पॉटिंग अगर हो जाए तो। बातों में बता ना आप, है ना, ये ऐसा मैं तो आइडिया दे रहा था, देखो यहाँ साइडिंग बढ़ा देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, जो है सो रियलिटी में उसे ही दिखाने दो, मजाक है ना मैडम, मैं मजाक कुछ ज़्यादा करता हूँ एक्चुअली, प्लीज थोड़े मजाक ही है। नहीं आपको समझ में आ गया होगा मैडम, है ना मैडम, सोच रही हूँ पता नहीं दो ब्रेड पकौड़ा पे इसने जान ही ले रखी है मेरी तो। नहीं नहीं मैडम मैगी खाओगे अभी, मैगी भी खाएंगे है ना मैम, मैगी खा के टाइगर टाइगर देख लेंगे। एक मैगी को मैम लेपर्ड कर दो, दो मैगी को टाइगर कर दो, हम फ्री कर दो आज। इतने में ठीक ठीक लगा लो है ना। इतना हाँ ये आपने सही बोला मैम, डिनर कर लो मैम, आप बताओ यहाँ यहाँ अवेलेबल नहीं हो। अच्छा फाइव कोर्स आपको डिनर कराते हैं मैम, आप टाइगर दिखाओ बस आप। कोई नहीं मैम, ऐसा है ना कि मनोज भाई बहुत देर से प्रेशर बनाए हुए थे, कोई बात नहीं है कि कुछ तो हो जाए कुछ तो हो जाए, इन्होंने ब्रेड पकौड़े दो ब्रेड पकौड़े में तो क्या ही होगा मनोज भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं नहीं ठीक है, आपकी भी ठीक है, इतने में तो इतना ही। उल्लू बेटे उल्लू, तो यार उल्लू भी दिखाई दे ही दिया हमें, मतलब उल्लू तो दिख ही रहा था लेकिन ये वाला सच में का उल्लू दिखा। घर पे तो उल्लू ये दिखाई देता ही रहता है, मेरी वाइफ उल्लू के नाम से बुलाती है। हां तो बस ठीक है, क्लॉ मार्क फिर से दिखाई दे दिया, मतलब ये भी टेरिटरी वाला निशानी है। वेरी वेरी गुड सफारी, सीरियसली एंजॉयड अ लॉट, आपका हार्टफेल्ट थैंक्स, आपने जो इतना हमारे पर एहसान किया, मतलब हमारे साथ हमारे को इतनी अच्छी कंपनी मिली। नहीं नहीं बिल्कुल है ना, आपने हमें अच्छी स्पीशीज एलिफेंट दिखाया और मतलब अच्छा था ओवरऑल, बहुत अच्छा आपने हमें बहुत इंटरव्यू दिया। ठीक है कैश 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 होता है ये तो ठीक है, ये तो जेन्युइन है, कोई गलत थोड़ी है, सैलरी है ये तो, ये तो मतलब आपका कमीशन होता है ठीक है, बट थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा मैम, बाय मैम, आप मिलेंगे आपसे फिर। तब यहाँ पे जो है मनोज भाई अपने बहुमूल्य जो फीडबैक है वो देंगे इनके लिए, और अब यहाँ से जो है एंड अप करते हैं अपनी सफारी को,
गाड़ी अपनी वहीं पे वेट करेगी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। भाई बाल वाल इतने खराब हो चुके हैं, इतनी हवाएं चली और इतना धूल खाया ना हमने, क्या बताऊं। दिख रहा है ना आपको भाई साहब, इन्होंने टाइगर छोड़ करके बाकी सब कुछ देखा है, है ना, इनका तो क्या ही बताऊं मैं। खैर अभी अभी रास्ते में बताएंगे। गुलफाम भाई को गुड बाय करने का टाइम आ गया है। अब लेकिन रुको भी, गुलफाम भाई को ना पहले हमें वो करवाना है भाई, क्या करना है, सब्सक्राइब करवाना है और क्या। गुलफाम भाई को पता कैसे लगेगा? हाँ सही बात है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही बहुत सही। तो भाई हालत देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इतनी धूल खाई है ना मैंने, इतनी धूल मिट्टी खाई है कि क्या ही बताऊं। तो भाई ये वाला सफारी अब यहाँ पे खत्म होता है, यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।